मैं पशुपालक भाई, पशुपालक जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक गाय के पास आए थे। इस गाय का जो है मतलब तीन बार बच्चे डिलीवरी हो गया, बच्चा दिया है इसमें। इस गाय में जो है एक एक दिक्कत सा आ रहा है। इस गाय में हर बार जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद इसका जो एक एक थान जो है इसका मतलब सूखते जा रहा है। मतलब वो थनेला का बीमारी हो रहा है। थनेला का बीमारी होने के बाद जो है इसका ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं कराया तो ऊपर वाला, ये सामने वाला जो सा थान है, ये जो है ये मतलब बंद हो गया था। तो तीन बार जो है इसका चल रहा था। फिर नेक्स्ट बार जब डिलीवरी हुआ है उसमें जो है इधर का जो सा सामने वाला था उसमें भी थनेला का बीमारी हो गया था, उसमें भी सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो ये वाला भी जो है बंद हो गया था। और अभी जो सा इनका डिलीवरी हुआ है तीसरी बार, इसमें जो है वो पीछे वाला, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो है बंद हो गया है। अभी इस गाय का दूध करीब जो है 5 लीटर के आसपास है, लेकिन पहले बियात पे इसका जो है करीब आपका 12 लीटर के आसपास दूध था। तो जैसे जैसे थान इसका जो है बंद होते गए, ऐसे ऐसे दूध इसका कम होते गए। तो ये जो सा बीमारी है, ये बीमारी बहुत मतलब पशुपालक भाई के लिए बहुत मतलब नुकसान का हो रहा है, क्योंकि जो सा आपका एक पशु बच्चा देता है, दूध होता है, पशुपालक भाई भी अच्छी तरह से इसको जो है खिलाते पिलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन लोगों को लापरवाही से जो है ये थनेले का बीमारी होता है। ये थनेले का बीमारी है क्या? ये थनेले का बीमारी जो है ये जोनसा पशु दूध देता है, जोनसा पशु दूध देता है, दूध देने के बाद हम लोग पशुपालक भाई को बोलते हैं दूध देने के बाद उसका जोनसा थान है उसको अच्छी तरह से धुलाई करें। धुलाई करने के बाद उसको जो है कम से कम आधा घंटा तक उसको जो है बैठने ना दें, क्योंकि जब दूध निकालता है उसका जोनसा वो जोनसा आपका उसका मतलब वो है ट्यूब है वो खुला रहता है, उसी से दूध निकलता है। उसके बाद भी वो करीब 15 मिनट तक वो खुला रहता है। अगर पशु अगर बैठ जाएगा ज़मीन पे तो जो सा ज़मीन पे कीड़ा होता है, बैक्टीरिया, वो जो है उसी के अंदर से वो अंदर चला जाएगा, जाके जो है वो थनेला बीमारी करेगा। तो उससे जो है पहले वो जो है सूजन हो जाएगा, सूजन के बाद जो है दूध फट जाएगा। तो उस पर अगर हम अगर ट्रीटमेंट अगर सही तरह से करेंगे तो जो है वो थनेला बीमारी से तो पशु मतलब ठीक हो जाते हैं और उसको दूध भी आ जाते हैं। और अगर हम उस टाइम अगर उसका अगर ट्रीटमेंट अगर सही तरह से नहीं करेंगे, देखभाल अगर सही तरह से नहीं करेंगे तो जो है वो मतलब जिस थान में उसका थनेला बीमारी हो गया वो थान जो है सूख जाता है। उसका जो है फिर जो है वहाँ से फाइब्रस ग्रोथ होता है, मसल ग्रोथ होता है, होके वो जो है पूरा बंद हो जाता है। फिर वो वाला जो है उसका टीथ है वो फिर बंद हो जाता है। तो जब भी आपका थनेला का बीमारी होगा तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे वो सूजन हो जाएगा, सूजन के लिए आप जो है जो सा सूजन वाला दवाई है, जैसे आपका मेलोनेक्स जेड प्लस है, मेलोनेक्स जेड प्लस से उसका सूजन भी कम हो जाएगा। और उसमें जो है सेराटोपेप्टाइडेस भी है, उससे जो सा उनका फाइबर है तो मतलब फाइबर का भी उसका जो है रिपेयर होते जाएगा। इसके लिए आपका फाइब्रोसिन का टेबलेट भी आता है, बोला जाता है, उसको भी आप खिलाते हैं, उससे भी जो है जोनसा फाइब्रस का जो है अच्छी तरह से वहाँ पे जो है वो मतलब रिपेयर हो जाता है। इसके वजह से सूजन है, सूजन के लिए हम जो है किसी भी एनाल्जेसिक और इंफ्लामेटरी, जैसे आपका आइसोफ्लूट हो गया, यूनिजेप हो गया, उसको जो है कम से कम 5 दिन तक जो है वो इंजेक्शन लगाना चाहिए। और अगर दूध फट रहा है उसका तो हमको जो है उसके लिए एंटीबायोटिक में जाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक किसी भी ग्रुप का आप लीजिए, जैसे आप अगर इंटास में जाएंगे तो उसके लिए इंटरसेप है, इंटरसेप के ऊपर जो है आपका इंटरसेप टेजो है, और जो आपका आईवी लगाना है तो आपका जो है एमसेप है, और सबसे महंगा दवाई ये कहता है मार्कोसेप या तो मार्बोमेट, तो वो जो है मेस्टाइटिस के लिए ही वही इंजेक्शन बनाया गया है। वो जो है सिंगल डोज होता है 30 ml का,
वो देने के बाद जो है वो पूरा जो है एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक है, उससे जो है मतलब जितना भी बैक्टीरिया है जो आपका मैस्टाइटिस कर रहा है उसको जो है वो मतलब क्योर कर देता है। उसके बाद जो है बाकी जो है हमारा जो सा पशुपालक भाई उसका दूध निकलते हैं उसके हाथ में ही जो है सब कुछ होता है। जैसे जिस जब आप मतलब दूध निकाल रहे हैं जौन सा आपका साफ बाट है जिससे आपको दूध अच्छा दूध आ रहा है, पहले जो है उसको जो है पहले आप जौन सा उसका टीथ है उसको अच्छी तरह से मतलब हल्का सा गर्म पानी से उसका धुलाई करवा दीजिए। उसके बाद जो उसका आप दूध निकाल लीजिए, निकालने के बाद जिस मतलब बाट में आपका वो है थनेला है तो आखिर में जो है वो दूध निकालने के बाद जो है मतलब उसका जो है आप दूध निकाल के मतलब तो वो दूध जो है ख़राब हो गया है वो दूध निकाल के आप जो है उसको फेंक दीजिए। फेंकने के बाद आपका जो है मतलब ट्यूब आता है जैसे आपका पेंडिस्ट्रिन ऐसे ही से, उसके बाद आपका मामी टेल है या तो फिर आपका मामी सेप है वो ट्यूब जो है उसके अंदर जो है आप जो है डाल दीजिए। वो आपका जो 12 घंटे के लिए अंदर रहेगा, फिर जो है अगले दिन जब आप जो है मतलब अगले टाइम जब आप उसका जो है दूध निकालेंगे तो उस टाइम जो है जौन सा आपका साफ सुथरा टीट है उसका पहले दूध निकाल लीजिए। उसके बाद जो है उसका जौन सा है जौन सा ट्यूब अपने अंदर डाला था वो वाला दवाई जो है बाहर फेंक दीजिए। बाहर फेंक के उसको अच्छी तरह से धुलाई करके फिर दोबारा जो है उस पर ट्यूब डालिए। और जो है जैसे आपका अगर थन इसमें अगर सूजन हो जाता है अटर में तो आपका जो है कुन को हल्का सा गर्म पानी में मैक्सल्फ डालिए, मैक्सल्फ डाल के उसको मिला लीजिए, मिला के वो पानी जो है उसमें डाल दीजिए। वो मैक्सल्फ से क्या होता है वो जौन सा उसका हार्डनेस है अटर का वो जो है कम हो जाता है। उसके बाद बाज़ार में आपका वो क्या बोलते हैं कुब आपका पेस्ट आ रहा है जैसे आपका मास्टर लेप करके पेस्ट आ रहा है वो पेस्ट जो है उस पर स्प्रे कर दीजिए। तो थोड़ा सा अगर उसको अगर अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट रखेंगे और हाथ से अगर उसको अगर सही से अगर मिल्किंग करेंगे और मिल्किंग के बाद अगर पशु को आप बैठने नहीं देंगे और उसको अच्छी तरह से मतलब धो देंगे साफ सफाई में रखेंगे तो जो है ये वाला थनेला या मास्टाइटिस बीमार नहीं होगा, होने का चांस कम होता है। तो पशुपालक भाई से जो है मेरा निवेदन है कि वो जो है इतना महंगा पशु रख रहे हैं उसको अच्छी तरह से इतना खिला पिला रहे हैं, अगर एक भी थन अगर उसका अगर मतलब ख़राब हो जाता है थनेला के वजह से तो पशुपालक का जो है बहुत सारा जो है नुकसान होता है। तो ठीक है, आगे ये सब चीज़ जो है आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।